जी स्टूडेंट्स चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ जो कि है एप्लीकेशन ऑफ गोजिस ला गोजिस ला कैन बी यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्टेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ग्रेटर सिमेट्री बेसिकली गिस ला जो है हमारे पास यूज़ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए तो चलते हैं सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंफिनिट लाइन ऑफ चार्ज तो इसके लिए हम डायग्राम एक्सप्लेन कर लेते हैं ये हमारे पास जो है वो एक सेक्शन है इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज का इसके लिए हमारे पास एक पॉइंट भी है जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ये पॉइंट भी जो है वो डिस्टेंस आर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम गोजियन सरफेस जो है वो ड्रा करेंगे हमारे पास जो गॉजियन सरफेस है वो सिलेंड्रिकल गोजियन सरफेस है ये हमारे पास तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है सबसे पहले हमारे पास है टॉप प्लेन सरफेस, इसको एस वन से रिप्रेजेंट किया गया है उसके बाद हमारे पास है बॉटम प्लेन सरफेस, इसको एस टू से रिप्रेजेंट किया गया है और थर्ड वन हमारे पास कर्व्ड सरफेस है जिसे एस थ्री से रिप्रेजेंट किया गया है इसके बाद हमारे पास जो एरिया ऑफ सिलेंडर है वो हमारे पास होगा टू पाई

at any point p which is at distance r from the line of charge for this we have considered a cylindrical gaussian surface which passes through the point p the electric flux passing through the cylinder is given by phi is equal to um, integral of ई e डॉट डी एस यहाँ पर हमने डी एस जो है वो कंसिडर किया है क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो हम सरफेसि को जो है वो हम एस वन एस टू और एस थ्री से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेक्स्ट चलते हैं द सर्फेस एस ऑफ द सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स एस वन एस टू एंड एस थ्री वे एस वन एरिया ऑफ द टॉप क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल गॉजियन सर्फेस इसी तरह से एस टू एंड एस थ्री हैं तो टोटल जो हमारे पास फ्लक्स है थ्रू द गजन सर्फेस विल बी इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर वन नेक्स्ट हमारे पास क्या है सबसे पहले हम फाइव वन मालूम करेंगे फाइव टू एंड देन वी कैन फाइंड फाई थ्री फाई वन के लिए हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से है सरफेस इंटीग्रल टूगरल एस e. वन ई डॉट एन डी ए यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारे पास ई डी एंड थीटा के बराबर है जैसा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया के दरमियान जो हमारे पास एंगल है वो 90 डिग्री है तो हमारे पास कॉस थीटा जो है वो जीरो हो जाएगा और फाइव वन ये पूरी टर्म जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी यानी कि फाइव वन जो है वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर आएगा इसी तरह से जब हम फाई टू एस एस टू के अलॉन्ग फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री होता है और इस तरह से हमारे पास phi2 टू जो है वो भी ज़ीरो के बराबर हो जाता है नेक्स्ट हम चलते हैं अभी तक हम फाइंड आउट कर चुके हैं phi1 वन एंड फाइव टू लास्ट में हम फाइंड आउट करते हैं phi3 uh, यानी कि फाई थ्री हमने इस सरफेस के अलॉन्ग जो है वो फाइंड आउट करना है <coughs> जी तो फाई थ्री के लिए हम क्या करते हैं फाई थ्री इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एस थ्री ई डी ए कॉस ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड क्यों क्योंकि हमारे दरमियान ई e और डी ई e के दरमियान जो एंगल है ये पैरल है एक दूसरे के और एंगल जो है वो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड है और कॉस ज़ीरो जो है वो हमारे पास वन होता है तो फाइनली हमारे पास फाई थ्री जो है वो बराबर आ जाता है ई सर्विस इंटीग्रल एस थ्री डी ए इज़ इक्ल टू ई यहाँ हम ए जो हमारे पास है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे ये पूरी जो टर्म है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे वो हमारे पास है टू पाई आर एंड एच यानी कि ये हमारे पास क्या था टोटल एरिया था पूरे सिलेंडर का तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आ गई फाइव वन फाइव टू एंड फाइव थ्री की और वो हमने इक्वेशन नंबर वन में पुट करके फाइव ई जो है टोटल फ्लक्स थ्रू दी गोजियन सरफेस हमने मालूम कर लिया जिसमें पॉइंट पी भी जो है वो इंक्लूडेड है टू आर एच एंड ई अब तो अप्लाई करते हैं हम गोजियन ला गाजेज लॉ हमें क्या बताता है फाइव ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एफ नॉट ठीक है तो फाइव ई e की वैल्यू तो हमारे पास इक्वेशन टू से मौजूद है अब हम फाइंड आउट करते हैं क्यू चार्ज की वैल्यू तो यहाँ हम कंसिडर करेंगे सिंस द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज लेमडा इज इक्वल टू क्यू ओवर एच तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू लेमडा एच क्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर थ्री में पुट करते हैं और फाइनली हमारे पास जो आंसर आता है ई इज़ इक्वल टू लेमडा ओवर टू वाई एप्साइल नॉट के बराबर आ जाता है आर यूनिट वेक्टर जो ये हमें मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बताता है इक्वेशन और वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम यूनिट वेक्टर आर जो है वो कंसीडर करेंगे तो यूनिट वेक्टर आर के थ्रू हम इसको लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू लैमडा ओवर टू पाई आर एफ नॉट आर यूनिट वेक्टर।, वेक्टर इक्वेशन नंबर फाइव इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी